आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम तीन कोर्ट केसेस की अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या ये कोर्ट केसेस काउंसलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग लेट हो सकती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको वो जानकारी दे दी है जो आप लेना चाहते हैं, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, सर्विस बॉन्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, च्वाइस लिस्ट, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, ये सारा सब कुछ समझा दिया है इसमें। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, ऑल इंडिया की अलग बुक है, स्टेट की अलग है, आयुष वेटनरी की अलग है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको बात बताऊं कोर्ट केसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो कोर्ट केस है सीएमसी वेल्यूर के बारे में हम बात करते हैं। तो सीएमसी वेल्यूर की जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो 8 अगस्त 2022 को है। केस क्या था? केस ये था कि जो इसका काउंसलिंग प्रोसीजर था, सीट मैट्रिक्स था सीएमसी वेल्यूर का, वो 2020 तक ऐसे हुआ करता था कि इसमें ऑल इंडिया के लिए 12 सीट रखी गई थी और बाकी सीट्स इसमें माइनॉरिटी सीट्स थी, इसमें सेंट्रल पूल कोटा की भी एक सीट थी। लेकिन 21 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस फाइल किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 21 के लिए ये ऑर्डर दिया कि 21 में जो ऑल इंडिया की 12 सीट्स हैं वो नहीं होंगी, यानी कि ऑल इंडिया कोटा सीएमसी वेल्यूर से 21 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये एक साल के लिए ही था, 21 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा था कि ये 21 के लिए ही है। उसकी हियरिंग चल रही थी, आगे डेट्स आ रही थी और अभी इसकी जो हियरिंग डेट है वो 8 अगस्त 2022 है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या डिसीजन देता है। अगर वो डिसीजन देता है कि ऑल इंडिया की ये सीट्स रहेंगी तो 12 सीट ऑल इंडिया के कैंडिडेट को मिलेंगी, नहीं तो ये सीट्स बाकी जो स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेंगे और माइनॉरिटी कोटा को मिलेंगी ये सीटें। तो अभी ये 8 अगस्त को इसकी सुनवाई है, जैसे भी इसकी अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसकी जो हियरिंग डेट है वो 8 अगस्त 2022 है, 8 अगस्त 2022 है इसमें। इसके बाद हम बात करें आगे ईडब्ल्यूएस केस की। ईडब्ल्यूएस केस जिसके कारण 21 की जो काउंसलिंग थी वो काफी दिन तक होल्ड रही थी। केस ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है 1 लाख का, वो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से ये पूछे कि आपने ये किस बेस पर ये क्राइटेरिया सेट कर रखा है 1 लाख का। तो ईडब्ल्यूएस का जो केस है उसकी हियरिंग 17 अगस्त 2022 को है, 17 अगस्त 2022 को है इसकी जो हियरिंग डेट है वो 17 अगस्त है। इसके बाद नेक्स्ट केस है वो 50% वाला है, यानी कि 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर होनी है। तो उसका तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, पोडिचेरी के प्राइवेट कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर मद्रास हाईकोर्ट में केस फाइल कर रखा है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो इसकी भी जो हियरिंग डेट है वो 8 अगस्त 2022 रखी गई है। तो ये फिलहाल जो तीन केसेज हैं नीट के रिगार्डिंग, मतलब कि काउंसलिंग इनको इफेक्ट कर सकती है, ये केस काउंसलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीएमसी वेल्यूर का 8 अगस्त को है, ईडब्ल्यूएस का केस 17 अगस्त को है और जो 50% प्राइवेट सीट वाला है वो 8 अगस्त को है। अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी रिजल्ट आना बाकी है और काउंसलिंग में भी अभी समय है, तो हो सकता है इनका डिसीजन काउंसलिंग से पहले आ जाए तो इस पे काउंसलिंग इनसे इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो डिले हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए और ईडब्ल्यूएस वाले केस की हियरिंग भी 1-8 दिन
और लेट हो जाए, लेकिन ये जो सीएमसी वैल्यूर का जो केस है ये काउंसलिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। ये दो केस काउंसलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि हो सकता है इनका डिसीजन पहले हो जाए, काउंसलिंग में ज्यादा देरी ना हो। तो ये जानकारी थी कोर्ट केसेस के अपडेट के बारे में। जैसे ही ये हियरिंग डेट होगी उसमें क्या डिसीजन होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसके अपडेट के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के बारे में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।